हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर साइंस एकेडमी। आप लोगों के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम के जंबो ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें से अगर आप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन यानी 2 ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, ठीक है। इसमें से आपके कुछ न्यू बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपका हो गया एमपीजीके ब्रह्मास्त्र वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज है आपका, और एन अकेडमी डेली T20 प्री टेस्ट सीरीज है, और गुरु मार्गदर्शन डेली प्री मॉक टेस्ट सीरीज है, और एमपीपीएससी प्रीलिम 2021 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, और आपका 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में आपका, और पटवारी कंप्लीट बैच कोर्स है, ठीक है। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम 2021 जीएस की पूर्ण तैयारी 45 डेज क्रैश कोर्स बैच है आपका, और 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग सीरीज इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। इसमें से आपके कुछ बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बैच आपके ये स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक ये वाला बैच आपका 27 तारीख है, 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और इसमें से आपको अगर कोर्स परचेस करना है तो आप इसमें से कोड यूज कर सकते हैं पीजी लाइफ, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है आजाद, हरिशंकर, ब्रह्मचारी, रामदास, नरेंद्र। ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हरिशंकर ब्रह्मचारी। चंद्रशेखर के बचपन का नाम क्या था, हरिशंकर ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है आपके राव बख्तावर सिंह, देवी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई थी जो कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानी में भाग नहीं ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ किस जगह है। ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, उज्जैन, खजुराहो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विदिशा। नेक्स्ट है, किस काल का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था। ऑप्शन है ऋग्वेद, उत्तर वैदिक, गुप्त काल, कुपाषाण काल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋग्वैदिक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है। ऑप्शन है नसना कुठार, दशावतार, नागौर का भूमरा, खोह का शिव मंदिर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, दशावतार। नेक्स्ट है, बैगा चक्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, रीवा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डिंडोरी। नेक्स्ट है, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन है भोज, उपेंद्र, हर्ष, मुंज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उपेंद्र। नेक्स्ट है, होशंगाबाद किस वंश से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है चंदेल, गोरी, तुर्क वंश, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गोरी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ। ऑप्शन है गुप्त काल, कुपाषाण काल, मौर्य काल, महाजनपद काल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। ओके, थैंक यू।